शुरू करी, जिस मकसद से आपा चालिया चुनाव के अंदर जै विचार के साथ में आपा चुनाव लड़े और थे लोगा जो सालों साल का संपर्क अपना जो सालों साल का संबंध आ उन संबंध के विश्वास पर मैं फैसलो लियो तो थे उन संबंध से बढ़कर काम करे है। मैं थारो किन शब्द में धन्यवाद दू मैं बता दू इसको अपने इस शुरुआत इस चुनाव की बहुत अलग परिस्थितियों में रही और आपने सब बातों को पतो भी है। 10 साल को सफर मैंने मिलो थारे बीच में रह के किसान और किसानी का मुद्दा से लेकर चूरू लोकसभा के अंदर विकास का नया आयाम खड़ा करने की इच्छा से अपन ने काम किया। 20,000 करोड़ के लगभग से ऊपर के इस लोकसभा क्षेत्र में काम करते हुए मैं अकेला नहीं, मेरे पिता मेरे माँ कमला जी हम सब ने मिलकर जनता के सुख दुख में भी शामिल होने का उतना ही काम किया जितना हमने दिल्ली के अंदर आपकी आवाज को मजबूती से उठाने का काम किया। एक सांसद के रूप में आसान सफर नहीं होता ये, पर हमने पूरे परिवार ने इस बात को महसूस किया कि जो जिम्मेदारी लोगों ने बार बार दी है हर बार दी है और इस बार तो 7वीं बार दी है कि 7वीं बार की जिम्मेदारी को निभानी है तो सबको लगना पड़ेगा और हर घर तक पहुंचने की कोशिश करनी पड़ेगी। उस पथ पर चलकर हम अपना साफ सुथरी राजनीति करते रहे। कभी महत्वाकांक्षा कौन थी कि मामले भी लड्डू चाहिए मंत्री आलो कदे कौन चाहिए, कदे हमारी महत्वाकांक्षा कौन थी कि मामले भी कोई भी नेता बना दे बड़ो ना, मैं तो जनता के दिल का मैं बसेड़ा था और जनता का नेता था और जनता की नेता के नाम पे ही राम सिंह कस्वा जी की पहचान ही कि अगर सेक्रेटरिएट में जयपुर में घूमन लाग रहा उकड़े भीड़ जा दिखे तो मान लो आज राम सिंह जी जयपुर ऐड आए। वह इमेज बनाने में सालों साल लग गया। चुनाव के हालात बदले, परिस्थितियां बदली, पार्टी ने टिकट नहीं दी, टिकट मुद्दो कदे कौन थे, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता इस बात को उठावे कि टिकट काट दी तो क्यों हो गयो, टिकट तो बहुत बार दी पहला भी मौको दियो और अब भी मौको मिलना चाहिए, बहुत बढ़िया तर्क वितर्क करे, टिकट कदे मौको कौन थो, मुद्दो कदे कौन थो, और यह बात को उन्होंने भी दे रहे कि टिकट मुद्दो कौन थो पर बोलना कौन सा। चुनाव मेरे से इस बात के लिए नहीं लड़ा कि मुझे मेरी टिकट काट दी गई, पार्टी ने जिम्मेदारी दी, हम जब शुरुआत करी थी मेरे पिताजी उससे पहले भी राजनीति में 30 साल निकाल चुके थे 91 के अंदर से पहले के चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के जितने वोट आया करते थे सांसद के चुनाव में जब तक मन याद है 89 के चुनाव में मात्र 8,000 वोट आए रहे हैं और अपना उम्मीदवार सदा सरकैया मन ज्यादा बोलने की जरूरत को नहीं, पर आप जब शुरुआत करी पार्टी जिम्मेदारी दी आप पार्टी में लाग्या मेहनत करी और आगे बढ़िया, पर चुनाव उस टिकट कटने या ना कटने का नहीं था। पार्टी ने टिकट मेरे को 2023 में खुद फोन करके कहा था कि आप चुनाव लड़ लीजिए, मैंने तो मना कर दिया था, कहे मैं जी विधायक का चुनाव मैं नहीं लड़ना चाहता, सांसद का लड़ना जरूर चाहूंगा, काम किया है जनता के बीच में रहे और इतने लंबे समय में आप इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र में अपनी जगह बनाते हो, समय लगता है किसी 1-5 साल में या 10 साल में आप 22 लाख वोटर 25 लाख से ऊपर की आबादी तक पहुंच जाओ सवाल ही पैदा नहीं होता। 340 किलोमीटर लंबी लोकसभा क्षेत्र हमारा है, तो मैंने कहा समय लगा है, पिताजी ने बहुत समय दिया है, मैंने 10 साल दिए हैं, मैं उसमें खुश हूं। तो पार्टी ने कहा कि ये घर में 2 टिकट नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगाई थी मैंने, मैंने कहा आपकी आज्ञा का पालन होगा और नंदलाल जी पूनिया जिनके सामने हमने ताउमर चुनाव लड़ा उनको टिकट दिलाने का काम किया, कभी टिकट मुद्दा नहीं रहा। यह बात मैं भारतीय जनता पार्टी के कई जो नेता जो गीत गाते हैं अलग अलग किस्म के उनको बता देना चाहता हूं कि पार्टी का टिकट काटना मुद्दा नहीं, पर टिकट काटी को नहीं गई टिकट कटवा दी, मुद्दा तो वो हो, बात तो बात की थी और जो बात पर न टिके वो किस बात को आदमी फिरे, टिकट जनता आशीर्वाद ना देती तो स्वीकार कर लेता, काको फैसलो करेगा वह स्वीकार नहीं करेगा। और मैं एक बार बता देता हूं आज चुनाव खत्म हो चुका है, ये चुनाव तो लोगों ने जाति पे बांटने की बहुत कोशिश करी, धर्म पे बांटने की कोशिश करी, ये चुनाव कभी न जातियों का था न कभी धर्म का था, ये चुनाव न कभी सांसद बनने का था न सांसद न बनने का चुनाव था, ये चुनाव उस दो विचारधाराओं का चुनाव था जिसके लिए हम लड़ रहे थे,
एक बार आंख बंद करके देख लेना, बहुत से ऐसे साथी यहां बैठे होंगे और मेरी आवाज भी सोशल मीडिया के मार्फत गई होगी, शायद उनको मेरी बातों पर या हमारे विचार पर उनको एतबार नहीं रहा होगा, चाहे कांग्रेस के फैसले पर उनको एतबार नहीं रहा होगा, शायद वो साथ मैं भी दे पाए हूँ। आज सोच के देख लेना, ये चुनाव कभी सांसद बनने का था ही नहीं, ये चुनाव उन दो विचारधाराओं के ऊपर एक विचारधारा को छूने का चुनाव था ये, और लोगों ने बांट दिया, हम कई लोग बट भी गए, दबाने की कोशिश करी, कई लोग दब भी गए, बहुत से लोगों के पास में घंटियां आई है, मैं सब जानता हूं जो किस किस पद पर बैठे हुए हैं और किस किस पद पे, कोई राजनीतिक पद पे है, कोई व्यवसायिक पद पर है, कोई नौकरी में होगा, कुछ दबे कुछ नहीं दबे, कुछ ने लड़ने की सोची होगी, कुछ नहीं लड़ पाए होंगे, परिवार की परिस्थितियां होंगी, पर मैं दबियों को नहीं, कभी मेरे मन में यह बात को विश्वास हो कि दबा को नहीं, बात के लिए कौन दबिया, क्योंकि एक व्यक्ति ये चाहता है कि प्रजातंत्र की जो खूबसूरती है, जब प्रजातंत्र में प्रजा फैसला करती है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा, वो काको या कह कि चुनाव मैं लड़ाऊंगा, मैं जिताऊंगा, मैं बोला ना, ये लड़ाऊंगा और ये जिताऊंगा, ये चुनाव सिर्फ ऐसी दो बातों को, एक बात आंख में सोच के देखो, अगर मैं नाट जाता हूं, मैं घर बैठ जाता हूं, तो काको के चिटकली कर तो अपनी सकती बिठा दियो, 35 साल एमपी घर बिठा दियो, था न घुटना का बल ले आता वह लोग, उन लोगों की मानसिकता ले आती, उन लोगों के यहाँ पे दरार पैदा हो जाते जो आपको तो आपकी जिंदगी में हर पल आपको गुलामी की महसूस करवाते कि मैं तो 35 साल के एमपी नहीं, कौन छोड़ दो, मैं तो चुटकी बजाई, पहले हेलो मार दियो कि चुनाव में टिकट कौन लेने देना, ना कोई जरूरत नहीं टिकट की, जनता के आशीर्वाद की जरूरत थी और भरपूर दियो है, और सातवीं बार थारे सामने सांसद के रूप में खड़े हूँ, सारा को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सफर आसान नहीं था मेरे लिए, इस सफर के अंदर कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद मैं उतने सबसे ज्यादा देना चाहता हूं, परिवार में शामिल किया, परिवार का हिस्सा बनाया, जिम्मेदारी सौंपी, और हर एक मेरे कांग्रेस के विधायक जो विधायक प्रत्याशी ने उस टीम ने इस चुनाव को इस लड़ाई को समझे और इस लड़ाई के अंदर अपना चुनाव मानते हुए चुनाव लड़ा। मैं तो सरदार से शायद 2 दिन आए भाई साहब, 2 या 3 दिन, बाकी चुनाव तो आप लोगों ने लड़ा, इस टीम ने लड़ा है, आप सब ने लड़ा है, हर किसी के मन में वो जज्बा था और बहुत से लोगों ने हमारी बात को माना स्वीकारा, हम गलत नहीं थे कभी भी, हमने कोई जातियों को लड़ाकर धर्म के नाम की राजनीति कभी करी नहीं, अगर आवाज नहीं उठाते इन लोगों का अहंकार और घमंड तो आपने चुनाव में देख लिया होगा, जब ये दारू की गाड़ी बेचन लग रहा था, लकड़ी की गाड़ी की चोरी की लेके जानी किसी किसान को, तो गलती से कोई काम कर ले तो काका के नाके पे जानो पड़तो या काको खुद ही कह लग रहे थे, मैं गलत नहीं था, कहीं पर भी सरपंचों को धमकाया गया था, मैं गलत नहीं था, उन बच्चों के ट्रांसफर साथ कर दिए गए थे, बाढ़ में भेज दिया गया था उनको, मैं गलत कभी नहीं था, मैं बिल्कुल सही था, मैंने एक मजबूत आवाज उठाई थी, फैसला कुछ भी होता कुछ भी मेरा रिजल्ट होता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बिल्कुल सही आवाज उठाई थी, मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास इस बात का उस दिन भी था और आज भी है।